अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस आज के वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस यानी टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इस टेक्निकल एनालिसिस से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसके फंडामेंटल आइडियाज क्या है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप लाइक कीजिए ताकि हमारा जो वीडियो और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। टेक्निकल एनालिसिस का जो डेफिनेशन है दोस्तों, वो इस तरह से हम कह सकते हैं, इस तरह से हम डेफिनेशन दे सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट बेस्ड ऑन एक्शन ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। यानी अब इसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिए इसको, कि यह है कि मार्केट में तो अब इन हजारों शेयर्स और हजारों कंपनीज में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कंपनी का प्राइस बढ़ सकता है, कौन सी कंपनी का प्राइस घट सकता है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मैन्युअली आप एक एक शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करते बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए से हम ये देखते हैं कि कौन से शेयर का ट्रेंड क्या है, कौन सा शेयर अपवर्ड ट्रेंड में है, कौन सा शेयर डाउनवर्ड ट्रेंड में है और कौन से शेयर का सपोर्ट कहाँ पर है, कौन से शेयर का जो है रेसिस्टेंस कहाँ पर है। इस तमाम चीज़ को एनालाइज कर और जो मार्केट में लोग बाय और सेल, एक सर्टेन पॉइंट पर बाय, सर्टेन पॉइंट पर सेल, और जो अक्यूमुलेशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन, ये तमाम चीज़ें जो होती है मार्केट में एक शेयर के ताल्लुक से, ये तमाम पैटर्न्स को समझकर, इन तमाम पैटर्न्स को जो है एनालाइज कर उस पर आपका डिसीशन लेना कि आपको ये शेयर खरीदना है या इसको अगर आपके पास हो तो बेचना है, ये एनालिसिस को हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। सो इन शॉर्ट याद रखिए दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है स्टॉक के पैटर्न को एनालाइज कर उसके बेसिस पर आपको बाय या सेल डिसीशंस लेना, इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है, मैं इसको एक सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अगर आपने मेरे फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा, आप उन वीडियोस को जरूर देखिए ताकि फंडामेंटली आपका कॉन्सेप्ट जो है, जो फंडामेंटल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं आपको अब समझाऊं कि फंडामेंटल और टेक्निकल में क्या डिफरेंस होता है। अब एग्जाम्पल आप अज्यूम कीजिए कि आपको एक कार खरीदनी है, आप एक कार खरीदने के प्लान में है। तो एक फंडामेंटल एनालिस्ट का जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि भाई मैं पहले शोरूम जाऊंगा, शोरूम जाने के बाद में मैं उस कार को टोटल चेक करूंगा, फिर उसके बाद जो है उसमें मैं टेस्ट ड्राइव लूंगा, फिर उसके बाद उसके इंजन की जो स्पेसिफिकेशन है उसको पढ़ूंगा, उसका माइलेज देखूंगा, ये तमाम चीज़ों को देखूंगा। साथ ही साथ आप जो फंडामेंटल एनालिस्ट होता है वो जो ऑलरेडी उस पार्टिकुलर कार अवेलेबल है उनका भी जो है एनालिसिस करता है और कौन ये कार खरीद रहा है, कौन ये जो है ले रहा है, वो एनालिसिस करने के बाद में उसके बाद जो है क्या ये अच्छे जो बड़े बड़े लोग हैं क्या वो लोग इसको ले रहे हैं, ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद में मैं डिसीजन लेता हूँ कि हाँ ये कार मुझे बाय करनी है, क्योंकि मैं मुतमइन हूँ ये तमाम कार में फीचर्स और तमाम मेरे मुनासिब और एकदम मेरे हिसाब से है। ये प्रोसेस है, लेकिन इसमें आपको मल्टीपल कार्स का शोरूम जाना पड़ेगा, मल्टीपल कार्स को आपको टेस्ट ड्राइव करनी पड़ेगी, डिफरेंट सेल्समैन से बात करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए से कार को खरीदना। अब आप कहेंगे सर टेक्निकल एनालिसिस के जरिए से कैसे कार खरीद सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, आप ये तमाम चीज़ें नहीं देखेंगे, आप ये देखेंगे कि मार्केट पर रोड पर सबसे ज़्यादा कार जो आप देख रहे हैं वो कौन सी कार है। आइडिया इज आप जो मार्केट में आप देखते हैं तो आपको बहुत सारे कार्स दिखते हैं, लेकिन उसमें बास कार्स आपको यू नो अगेन एंड अगेन आपको दिखती रहती है। तो अगर आप देखेंगे कि भाई आज के इस दौर में, आज के इस डेट में कौन सी कार से जो ज्यादा लोग प्रिफर कर रहे हैं, ये देखिए पार्टिसिपेंट यानी जो खरीद रहे हैं वो क्या प्रिफर कर रहे हैं। तो अगर आप रोड पर आप ज्यादातर देखेंगे आज के इस पॉइंट ऑफ व्यू में, आप देखेंगे किया कार्स आपको हर जगह मिल जाएंगे और बहुत सारे लोग जो पुराने जो कार्स है उसको बेचकर किया कार खरीद, किया मोटर्स जो है कार किया की कार्स खरीद रहे हैं। तो
आप देखिए टेक्निकल एनालिस्ट का माइंड ये होता है कि भाई किया कार सबसे ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, इसका मतलब रीसेल वैल्यू भी अच्छा रहेगा और बहुत सारे लोग इसको खरीद रहे हैं, मतलब अच्छी होगी, अच्छा है इसीलिए तो लोग खरीद रहे हैं। तो वो एक एनालिस्ट जो है एक प्रोबेबिलिटी लगाता है और प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर कि हाँ ये कार, उसके बाद वो जाकर कार शोरूम पर डायरेक्टली ही विल शॉर्टलिस्ट द किया मोटर्स कार, इंस्टेड ऑफ यू नो 4-5 कंपनीज को देखने के बजाय ये एक कार को शॉर्टलिस्ट कर रहा है उसके पैटर्न, उसके जो है एनालिस्ट के बेसिस पर। इसको कहते हैं दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस। तो अब यहां पर कार को बाजू हटा दीजिए, अब एक कंपनी को रख दीजिए। अब फंडामेंटल एनालिस्ट क्या करता है, ये एक समझिए 4 कंपनीज ले लेगा, उसके तमाम बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को और कैश फ्लो स्टेटमेंट को, तमाम चीजों को देखेगा। देखने के बाद क्या इस कंपनी का प्रॉफिट मुनाफा अच्छा है, ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद में क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रो होगी, उसके हिसाब से वो जो है बाय करेगा या सेल करेगा। इसी तरह टेक्निकल एनालिस्ट वो कंपनी के शेयर्स को देखेगा, उनके फंडामेंटल को वो नहीं देखेगा, उसका जो प्राइस का पैटर्न होता है, जो प्राइस पैटर्न होता है उसको देखेगा और कहेगा कि भाई यहाँ पर इसका सपोर्ट था, इसके इतने बार ये सपोर्ट पर जो है ना ये प्राइस यहाँ पर आकर बाइंग हुई है, फिर उसके बाद ये ऊपर गया है, तो चलिए मैं इस पर्टिकुलर प्राइस पर खरीदता हूँ और यहाँ पर इसको बेचता हूँ। तो ये होता है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में। टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले आपको कुछ कंडीशंस अप्लाई होती है, यानी कुछ अजम्पशंस होते हैं टेक्निकल एनालिसिस को, वो आपको हमेशा जहन में रखना है और उसके हिसाब से ही आपको वर्क करना है। नंबर वन जो फर्स्ट कंडीशन होता है टेक्निकल एनालिसिस का, वो ये है कि टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स ऑन probabilities not certainties। यानी जब भी मैं टेक्निकल एनालिसिस करूंगा किसी शेयर का, आप 100% श्योर नहीं हो सकते हैं कि भाई 100% मैं बता रहा हूं आपको ये प्राइस ऊपर जाएगा, देयर इज नो सर्टेनिटी, कंफर्म 100% आप नहीं कर सकते हैं, वी कैन से प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए मैंने कॉइन टॉस किया, तो अब उस पर्टिकुलर कॉइन पे हेड या टेल्स आने का कोई सर्टेनिटी है क्या, बता सकते हैं कि 100% टेल आएगा, नहीं बता सकते हैं, देयर इज नो सर्टेनिटी। हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 50% चांस है हेड आएगा, 50% चांस है टेल आएगा, यानी इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो टेक्निकल एनालिसिस जब भी हम करते हैं तो हमारा जो गोल होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी, ना कि सर्टेनिटी। सो दैट्स व्हाई यहां पर टेक्निकल एनालिसिस करते वक्त में आपको हमेशा जहन में रखना होता है कि आपका एंट्री प्राइस क्या है, आपका एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है, एग्जिट प्राइस क्या है, साथ ही साथ आपको और एक प्राइस भी डिफाइन होता है, उसको कहते हैं शॉप लॉस। यानी अगर आपका एनालिसिस गलत हो जाए तो भाई कौन से प्राइस पे आपको एग्जिट कर लेना होगा, ऑटोमेटिकली एग्जिट करना होगा, यानी ऐसा नहीं होना कि आपने एक शेयर को खरीद लिया और वो नीचे जा रहा है तो आप बैठे पकड़ के बैठ गए, नहीं जो है ना ये मैं इसको ऐसा रखूंगा, मैं फंडामेंटल एनालिस्ट बन जाऊंगा। तो एक्चुअली मार्केट में यही होता है दोस्तों, शेयर वो खरीदते हैं एक एनालिसिस करके, उसके बाद समझिए वो शेयर नीचे जा रहा है तो उसको बेचते नहीं है, स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं, उसको जो है क्या करते हैं ये लोग सिर्फ बैठ जाते हैं, भाई नहीं ये शेयर अच्छा है मैं इसको फंडामेंटली भाई देखता हूँ और उसको अच्छा है तो मैं इसको, तो वो टेक्निकल एनालिसिस कहाँ पर हुआ है दोस्त, तो वो टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, वो सिर्फ जो है एक किस्म का जो है क्या है रैंडमली आप पिक कर रहे हैं, वो अगर रिवर्स हो रहा है तो आप एग्जिट होने के बजाय उसको पकड़ के बैठ रहे हैं, दिस इज नॉट टेक्निकल एनालिसिस। सो याद रखिए प्रोबेबिलिटी होती है, सर्टेनिटी किसी किस्म की नहीं होती। नंबर टू सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना होगा, अजम्पशन ये होगा कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब ये है कि जो भी मार्केट में होता है, यानी कंपनी में होता है, कंपनी के न्यूज़ होते हैं, कंपनी के जो एनालिसिस जो भी उनका जो बैकग्राउंड में हो रहा है, उसके पर्टिकुलर फाउंडर्स के हिसाब से हो रहा है, या वर्ल्ड के जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस है, स्टॉक प्राइस में वो तमाम जो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है अभी जो है यूक्रेन और रशिया के बीच में वार चल रहा है, तो इसका मतलब ये है जो भी शेयर्स अभी जो प्राइस पर है वो ऑलरेडी उन्होंने इस पर्टिकुलर वार को जो वार हो रहा है उसको उन्होंने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है। यानी अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो वार होने के हो रहा है तो इसका मतलब ये और नीचे जाएंगे, वो अलग बात है, नीचे जाएंगे या नहीं जाएंगे अलग बात है, लेकिन ऑलरेडी उसका प्राइस जो है वो डिस्काउंट कर चुका है। जिस तरह कोविड होने पर 2020 में जब सडनली मार्केट क्रैश हुआ था और तमाम शेयर्स नीचे गिरे थे, उसका मतलब जब वो नीचे गिरे हैं वो प्राइस में ऑलरेडी उसका एंटिसिपेशन हो चुका है। इसी तरह याद रखिए दोस्तों जब भी कोई शेयर का रिजल्ट्स आने होता है तो आप देखते हैं कभी वो शेयर प्राइस जो है नीचे नीचे जाता है, कभी होता है वो शेयर प्राइस ऊपर जाता है उसके आने से 4-5 दिन पहले, तो आप याद रखिए उसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर
मार्केट प्राइस में वो ऑलरेडी वो एंटिसिपेशन हो रहा है। इसी वजह से कभी आप देखते होंगे कि अच्छा रिजल्ट आता है और ऑलरेडी वो प्राइस जो है ना चार दिन पहले से ऊपर जा रहा था, अब आप जाकर लोग खरीदते हैं लेकिन उसी दिन वो प्राइस नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो यानी ये कि ऑलरेडी मार्केट हैज एंटिसिपेटेड द गुड रिजल्ट बेस्ड ऑन दैट इट वॉज इन द प्राइस एक्शन। तो आपने जब खरीदा हायर प्रिंट पर उसके बाद वो नीचे जा रहा है तो आप कहते रहे भाई मार्केट बिल्कुल गैम्बलिंग रिग्ड है। नहीं, वो जो है मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, ऑटोमेटिकली मार्केट जो है डिस्काउंट करता है। नंबर थ्री और थर्ड ऑप्शन है हाउ इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाई। इसका मतलब ये है कि हाउ इज द प्राइस गोइंग अप और हाउ इज द प्राइस रिएक्टिंग, हाउ इज द प्राइस गोइंग डाउन। टेक्निकल एनालिस्ट के लिए व्हाई इज नॉट इंपॉर्टेंट, यानी क्यों हो रहा है भाई, अरे ये शेयर ऊपर कैसा जा सकता है, इसमें इतना क्या, ये कंपनी में ऐसा क्या हुआ है, मेरे को वो व्हाई की जरूरत नहीं है। दोस्तों जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं हाउ इज द प्राइस रिएक्टिंग। यानी फॉर एग्जांपल आप ये सुनिए, अगर मैं आपको एक सैंपल से यहाँ पर एक पैटर्न एग्जाम्पल देता हूँ एक शेयर का। अब देखिए यहाँ पर ये चार्ट है, अब ये चार्ट एक पैटर्न है दोस्तों, एक पैटर्न है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न के बेसिस पर यहाँ पर ये शेयर है लिंकन फार्मा का, एक कंपनी है, बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी है और ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ पर एक जो है प्राइस एक्शन बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हाउ इज दिस प्राइस रिएक्टिंग, मेरे लिए वो क्यों रिएक्ट हो रहा है इससे मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सडनली ये नीचे चला गया है तो मैं यहां पर ये देखूंगा कि भाई मेरा सपोर्ट कहां पर है, इसका बाइंग कहां पर आ रही है। तो हाउ इज द प्राइस रिएक्टिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाई। अभी मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं कि एक कंपनी है जो जिसका नाम है टैनला। ये कंपनी में जब मैंने इसको ट्रैक करना शुरू किया तो उस टाइम पर इसका प्राइस था, कोविड के बाद की बात बता रहा हूं मैं, इसका प्राइस जब ये ट्रैक कर रहा था मैं, इसका प्राइस था करीब 170-200 था। जब ये प्राइस था तो मैं इसको ट्रैक करते हुए मैं यही क्वेश्चन करता था भाई क्यों, व्हाई एंड व्हाई, बिकॉज मेरा बेसिक आइडिया फंडामेंटल एनालिसिस का है। तो मैं ये देखता रहा भाई क्यों, आखिर है क्या वजह इसमें। तो मैं बोला अरे ये बिल्कुल नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा वो 200 गया, 250 गया, फिर 300 गया, जाने के बाद में फिर वहां से वो सडनली दो तीन लोअर सर्किट्स लिया। तो मैं बोला अरे देखो बेकार कंपनी है। तो आई वाज फोकसिंग ऑन व्हाई इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन हाउ इज द प्राइस रिएक्टिंग। तो अब वो जाते 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 अब जो है वो 2000 तक पहुंच कर फिर वापस 1400 पे आ गया है। लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो आप वाई पर फोकस मत कीजिए, हाउ इज द प्राइस रिएक्टिंग, यानी आज अगर बाइंग आई है तो कितना वॉल्यूम प्राइस पे, कितना वॉल्यूम आया है, कितना प्राइस बढ़ा है, और उसका पैटर्न देखिए कि भाई कितना बढ़ने के चांसेस है, उसके हिसाब से आपको जो है जो स्विंग ट्रेडिंग हम जो कहते हैं बेसिकली इसमें हम ले सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के जरिए से। एंड फोर पॉइंट नंबर फोर इज प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स, यानी जो भी प्राइस मूवमेंट होता है ना दोस्तों ये एक ट्रेंड में होता है। ऐसा नहीं होता है कि खाली ऊपर जा रहा है, जो है ऐसा सीधा जो है रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, रॉकेट की तरह नीचे आ रहा है, नहीं, एक प्राइस ट्रेंड होता है। जैसे अगर आप इस चार्ट को भी देखेंगे तो इसमें एक ट्रेंड आपको दिखेगा, एक काइंड ऑफ ट्रेंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये नीचे आया है, ये कोविड के टाइम पे नीचे गया, फिर यहाँ तक ये आने के बाद में इसका जो रेजिस्टेंस था प्रीवियस उसको ब्रेक करने के बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर इसको सपोर्ट लेते हुए यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसी के लेवल पर था ये, यानी ये सपोर्ट बन चुका है इसका। तो ये लेवल पर जब था कई दिन तक था, उसके बाद जब आप प्राइस अगर वॉल्यूम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया है, अराउंड 3.5 मिलियन शेयर्स उसके बिके हैं। एक दिस इज अ वीकली चार्ट आई गेस, ये वीकली चार्ट है। सो वीक में जो है एक एक 3.3-4 मिलियन शेयर्स खरीदा है लोगों ने, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत वॉल्यूम बढ़ा है, साथ ही साथ ये ऊपर जाना शुरू हुआ, फिर थोड़ा नीचे आया है, फिर यहाँ पर ऊपर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर इसका एक फंडामेंटल बेस बन चुका है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक बेस बन चुका है, यहाँ पर ये एक इसका लोअर और यहां पर इसका ये आप ले लीजिए अपर। आप देखेंगे कि ये एक ट्रेंड में चल रहा है, या एक ट्रेंड में यहां से ये नीचे आया, फिर यहां पर इसका एक ट्रेंड बन चुका है, यानी इसका जो अपर एंड लोअर बाउंस है ये एक ट्रेंड की तरह। अगर स्टॉक है ये हो सकता है
अपवर्ड ट्रेंड में हो या डाउनवर्ड ट्रेंड में हो या साइडवर्ड ट्रेंड में हो। साइडवर्ड से खाली ऊपर नीचे, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो ये एक साइडवर्ड ट्रेंड कहते हैं। तो हमेशा हम एज अ टेक्निकल एनालिस्ट आपको ये भी देखना होगा कि प्राइस जो मूव होता है वो ट्रेंड में मूव होता है, अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड और साइडवर्ड ट्रेंड। सो आपको इसको भी एनालिस करते वक्त में ये पॉइंट को भी जहन में रखना होगा दोस्तों। तो ये एक पॉइंट आपको समझना है। और अजम्पशन नंबर 5 है दोस्तों, वो ये है कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। इसका माना ये है कि जो पास्ट में हुआ था, जो हिस्टोरिकली हुआ था, मैक्सिमम जो यूजर्स है, पार्टिसिपेंट्स है, इमोशनल बेसिस पर, वही बेस पर, वही पैटर्न पर रहेंगे। जैसे मार्केट जब ऊपर जा रही है तो कोई भी प्राइस पर लोग खरीदने के लिए रेडी हो जाएंगे, जब मार्केट नीचे जा रही है तो कोई भी प्राइस पर बेचने के लिए रेडी हो जाएंगे। यानी उनको पता है ये कंपनी अच्छी है, लेकिन वो जो है लॉसेस नहीं देख पाते बहुत सारे लोग, अरे ये भाई कितने भी बहने दो, बेच दो। तो वो जब नीचे जाता है तो वो कोई भी जो है ना प्राइस पर वो बेचते चले जाते हैं। यानी जब मार्केट का ट्रेंड ऊपर हो तो प्राइस ऊपर से ऊपर जाएगा, ये हिस्ट्री रिपीट होगी, और जब ट्रेंड नीचे हो तो नीचे से नीचे प्राइस जाना शुरू होगा। तो आपको याद रखना है कि टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली इज अ अजम्पशन बेस्ड। ये अजम्पशंस हमको 5 अजम्पशंस आपको रखने होंगे, उसके बेसिस पर आपको टेक्निकल एनालिसिस करनी होगी। तो ये था दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक आइडिया। मैं इंशाल्लाह आपके लिए अगले वीडियो में लाऊंगा कि कितने टाइप ऑफ चार्ट्स होते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए कि चार्ट्स की क्या जरूरत होती है और किन टाइप्स के चार्ट्स होते हैं, ये हमारे अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आ सके हमारे चैनल से। थैंक यू वेरी मच।